हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ ठीक हैं। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग है ना, शाम के समय शुरू कर रही हूँ। अभी शाम को 6 बज रहे हैं और इतना लेट इसलिए किया क्योंकि यस्टरडे जो आपने देखा था ना, हमने वो शरबत वगैरह डोनेट किया था, तो उसके बाद काफ़ी थक गई थी। शाम हो गया था तो घर का सारा काम निपटाने के बाद ना इतना टायर्ड थी कि बस कुकिंग चैनल का काम की रात को और व्लॉगिंग चैनल का काम छोड़ दी क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। तो रात को 11 बजे ही सो गई। अब जल्दी सो गई, 11 बजे भी मेरा जल्दी है क्योंकि हमेशा रात को 2-3 बज जाता है ना व्लॉग का एडिट वगैरह ये सब काम सब करने में, तो वो काम नहीं की, सोची कि सुबह कर दूंगी। और मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाल दिया था कि आज का व्लॉग जो है वो देर से आएगा। और फिर दिन में सुबह भी उठ के तबीयत ठीक थी नहीं और साथ में फिर करंट का जाना, ये सब के चक्कर में ना बहुत डिले होता गया। और दोपहर का 1 बजे का टाइम दी थी व्लॉग डालने का, तो 1 बजे भी व्लॉग नहीं आ पाया। और घर में इतना सारा काम था ना, सब छोड़ छाड़ के बर्तन धोना वोना सब मेरा बाकी है आज का लंच वाला। और मैं एडिट वेडिट करने में लग गई, इतना ज़्यादा समय लग गया कि घर का काम नहीं हो पाया। संडे को घर का बहुत सारा काम कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा जो रहते हैं ना सारा वॉश होता है, बेडशीट चेंज करती हूँ, कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि रात वाला काम मैंने छोड़ दिया था, सो गई हूँ आराम से। और आज दिन में मुझे चैनल का काम लेके बैठना पड़ा है, तो इतना समय लग गया कि एकदम नहीं हो पाया। फिर खैर वीडियो आ तो गया है चैनल पे कल का किसी तरह, लेकिन लेट से आया था और इसी वजह से आज जो है ना व्लॉग सुबह से शुरू नहीं कर पाई हूँ, देर हो गया है। और अभी रेडी हो गई हूँ जाने के लिए मानिक तल्ला, क्योंकि आदि के ट्यूशन की जो टीचर है, इस बार का मैंने मानिक तल्ला में ही लगवाया है ना। रेगुलर व्लॉग्स जो मेरे देखते हैं उनको पता होगा, व्यूअर्स को, तो वही मैम ने टाइम भी ऐसा देती है ना, और इतना देर का कि क्या ही बताओ। तो 7:30 बजे का उन्होंने समय दिया है और अक्सर ही वो लेट आती हैं। 7:30 बजे बोली हैं तो जैसे 8 के तरफ आएंगी, 8 बजे, तो 8 से 9, 9:15, 9:30 ऐसा पढ़ाएंगी और इसके बाद फिर वापस बेलेघाटा आना पड़ेगा, तो काफ़ी रात हो जाएगा। तो इसीलिए आदि को भी अकेले नहीं छोड़ूंगी मैं, साथ में जाऊँगी क्योंकि इतनी रात को पता नहीं कैसे वो आएगा। फिर बाय द वे बारिश वारिश आ गई, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ आ रहा है वेदर फोरकास्ट में कि बारिश आएगी अब 1-2 दिन में, और हो सकता है काल बैसाखी जो स्टॉर्म आता है वो आ जाए या कुछ भी, तो फिर आदि अकेले आ कैसे पाएगा। तो इस वजह से आदि को अकेले नहीं छोड़ रही हूँ जाने के लिए, मैं भी साथ में जा रही हूँ। और फिर इसका क्लास जब वहाँ हो जाएगा ट्यूशन का, तो फिर इसके बाद उसको लेके रात को वापस घर आऊँगी, क्योंकि ये जो बर्तन वगैरह छोड़ी हूँ ना, ये सारा काम भी मुझे करना होगा। फिर कल मंडे है, कल से फिर पापा आएंगे, तो फिर खाना वाना बनाने में ना समय नहीं मिलता है, बहुत बिजी रहती हूँ। मतलब आज का दिन भी एकदम मेरा वेस्ट हो गया, घर का काम कर नहीं पाई, सारा काम जो मेरा सारा समय जो है यूट्यूब चैनल पे देना पड़ गया मुझे, क्योंकि रात को जल्दी सो गई थी। मतलब एक दिन सो गई अगर रात को 11 बजे, तो सोचिए उसका कितना इफेक्ट हो रहा है आज पूरे दिन में। खैर जो भी हो, चलिए व्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं मानिक तल्ला। ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर निकले थे तो चांद कितना सुंदर लग रहा था, तो मैंने शूट कर लिया। कल ईद गई है तो देखिए ईद का चांद जो बोलते हैं ना, कितना प्यारा लग रहा है सच में। तो चलिए ऑटो मिल गया है हमें और अब चलते हैं मानिक तल्ला, आदि का ट्यूशन करवा लेते हैं क्लास। माँ के घर आ गए हैं और आदि की टीचर, जैसा कि मैंने बताया था, लेट से आती हैं ना, तो वो 8 बजे ही आई हैं और अब आदि पढ़ लेगा, इसके बाद फिर जाएंगे। और इन द मेन टाइम भाई IPL देख रहा है, वो मैच चल रहा है, तो मैं भी बैठ के भाई के साथ देख रही हूँ। और मैं सोची थी आदि की क्लास खत्म होगी, इसके बाद हम लोग जो पॉल ढाबा है, हम आपने देखा है काफ़ी बार पुराने ब्लॉग्स में, वहाँ से रोल लेके जाते हैं और हम लोग खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ का रोल। लेकिन अब आज माँ बोल रही है घर पे ही खाना खा के जाओ, भाई कुछ नॉन वेज सब लेके आया है रेस्टोरेंट से, तो फिर अब खाना खाने के बाद ही घर जाएंगे और तब तक एंजॉय करते हैं क्रिकेट। फ्रेंड्स डिनर आ गया है, आदि की पढ़ाई हो गई और अब डिनर कर लेते हैं। ये देखिए चिल्ली फिश है, साथ में चिल्ली चिकन है, ड्राई था एक्चुअली, स्टार्टर के लिए आया था, अभी बिरयानी वगैरह आने वाला है, लेकिन मुझे लेट हो जाएगा, 9 बज रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो है मैं इसी से खा के चली जाती हूँ घर, क्योंकि ऐसे भी छुट्टी का दिन है ना, तो अगर नहीं मिला ऑटो तो मुश्किल हो जाएगा। और ये आदि भी अपना डिनर कर रहा है,
तो चलिए डिनर कर लेते हैं, इसके बाद फटाफट चले जाएंगे बेलेघाटा। अब निकल गए हम लोग बेलेघाटा जाने के लिए और माँ ने साथ में दही बड़ा दिया है। और बाहर जाके है ना, आदि की कल से स्कूल्स है ना, तो फिर थोड़ा वो जो ड्राई केक वगैरह होता है ना, बिस्किट्स केक, ये सब थोड़ा कुछ सामान ले लूँगी सोच रही हूँ। तो चलिए रात भी हो गई, देखे दुकान खुला हुआ होता है तो ख़रीद लेंगे, इसके बाद चलेंगे घर की ओर। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं बेलेघाटा, ऑटो में बैठे हैं, अभी तक दूसरे पैसेंजर्स आए हैं इसीलिए ऑटो साथ में है। पता है अभी ऑटो में बैठ के देख रही हूँ कि माँ ने जो दही बड़ा दिया था ना, उसका ढक्कन समहाउ खुल गया है और सारा जो दही बड़ा का दही है वो सब कैरी बैग में गिर चुका है। तो अब डर लग रहा है पैकेट अगर फटा तो हो गया कल्याण मेरा। तो चलिए अब घर जाते हैं, फिर दही बड़ा का इंतज़ाम करेंगे। फ्रेंड्स बेलेघाटा पहुँच गए, माँ ने ना दही बड़ा पैक करके दिया था और रास्ते में पता है क्या हुआ, दही बड़ा का ढक्कन खुल गया और वो सारा जो कैरी बैग में लेके आई थी ना, उसमें सारा जो दही होता है ना वो गिर गया। तो अभी फिर वो सब समेट वमेट के ठीक करके रखी हूँ और एक दही बड़ा खा भी ली हूँ और इसके बाद अब बैठ गई हूँ आराम से आप लोगों से बातें करने के लिए। बातें क्या ही करूँ, आज का ब्लॉग छोटा सा ही रहने देते हैं, कल इतना स्ट्रेस गया है ना काम, और ऊपर से इतना धूप गर्मी, तबीयत ही बिगड़ गई थी, लेकिन आज तबीयत ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर देते हैं क्योंकि रात हो गई है और अभी फिर से मुझे कल का व्लॉग जो है वो सब एडिट करना है, कुकिंग चैनल का भी रेसिपी एडिट करना है, तो वो सब काम फटाफट कर लेती हूँ क्योंकि कल सुबह से स्कूल भी है। तो स्कूल है तो देर तक सुबह सो भी नहीं सकती, जल्दी जल्दी स्कूल के लिए उठना भी पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर व्लॉग पर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और न्यू व्यूअर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो मेरे दूसरे ब्लॉग्स भी देखिए, अगर आपको पसंद आता है ये चैनल तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।